अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये देखिए सुबह का टाइम है, तकरीबन क्या टाइम हुआ लीज़ा? 7:45 हो गए हैं और ये बादल आए हुए हैं आज। ये हमारे घर के बाहर का नज़ारा है। बाहर निकल दिए तो इजाज़त नहीं क्योंकि बहुत रश होता है, लेकिन वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अलीज़ा फातिमा जा रही है एकेडमी। फातिमा को स्कूल से मैंने ऑफ लिया हुआ है क्योंकि 10th क्लास के पेपर्स हैं और 2 टाइम इसको मैं भेजती हूँ एकेडमी। और अलीज़ा और मुस्तफ़ा जा रहे हैं स्कूल। मुस्तफ़ा साहब नीचे चले गए हैं। फातिमा की तबीयत सही नहीं है, पर मैं क्या पुत्र 4 दिन पेपर में रह गए हैं, छुट्टी नहीं करनी। बाहर वाला मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा और खुश्क खुश्क है। क्या बाबा किधर गए हैं? सुबह सुबह सफाइयाँ हो रही ना, वेखो चारे सवेरे सवेरे सड़कों साफ करन लगे ने। और बाहर से भी आपको दिखाऊँ, इस साइड से भी दिखा तो दूँ, लेकिन अगर बंदा मेरा आ गया ना तो बिजती प्रोग्राम हो जाना है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जी मैं थोड़ी देर सो गई थी, अभी किया है मैंने नाश्ता। तो उन्हें मेरी आवाज़ तो लगन नहीं आना कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। चाय पी रही हूँ। नाश्ते में मैंने सिर्फ 2 स्लाइस लिए हैं अंडे के साथ और चाय। नज़ला ज़ुकाम बुखार जो है ना, समझ लो कि हड्डियाँ चवाड़ गया है। अभी भी सना आई है तो उसने मुझे जगाया है, वो अब कर रही है सफाई। तो मैंने कहा यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ। ये मैंने रात को छील के रखा था लहसुन भी अदरक भी। आज तो हिम्मत नहीं होंडी, पर आज बनना है जी गोभी गोश्त। अब सना सफाई कर लेती है, किचन साफ़ हो जाता है। किचन बड़ा गंदा हुआ है क्योंकि सुबह मैं समेटे बगैर ही सो गई थी। और आज बस ये है कि अब जो है ना वो सारा काम करेगी सना। ये देखें बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, मशीन में कपड़े डाले हुए हैं और वो डालेगी सना सूखने, है ना सना? और मैं अब चाय पी के ना तो फिर सब्ज़ी बनाऊंगी जे हिम्मत होई, नहीं तो शाम में पक जाएगी। खैर है पेस्ट भी सना बना देगी क्योंकि छिलिया छिलाया तो है वैसे ना, कहड़ा टाइम टाइम लगना है। इंदियाँ गल्ला नहीं सुनती सना। यहाँ पे जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कर लिया है, सब्जी भी बन गई है। काम जड़े ने ना घर के कोई औखे नहीं होंगे, लेकिन बस हिम्मत होनी चाहिए। अज ना तबीयत खराब सी तो वजह तो इंज जिमें खलोते नहीं जान दिया उठ के। अभी मैंने मेडिसिन ली, चाय पी, फिर मैंने कहा ये काम जो है ना कर लेंगे। अंडे आए हुए थे, मैंने कहा इनको भी ना, मेरा फ्रीजर दूसरा है तो इसकी मैंने फिर किसी डब्बे डुब्बे पा के रखने पैंते ने, नहीं तो बच्चे जड़े ना एक कड़न लगे तोड़ देंगे। मुस्तफा नहीं करो, मुस्तफा साहब तो स्कूलों आ जाए ना तो जोड़ा काम होंगे ना वो भी नहीं निपटता। मेरी कोशिश होंगी है कि ये आने तो पहले ही मैं सारा ना काम खत्म करना करा क्योंकि ये बहुत बाद तंग करता है। सब्जी भी बन गई है, चिकन जो है ना वो साफ करके चले गई है सना। अब मैं बस हांडी बनाने लगी हूँ। फातिमा लीजा रोटी खा के ना, चाय भी पड़ी है मेरे बेटा पी लो, मेरी तबीयत तो सही में लेट जा करती हूँ। इसके लिए 4 मार्च का पहला पेपर है। 4 को? हाँ जी। पेपर फिर ना लेट, इसको फिर तो इस पे तवज्जो फुल दे, मैं भी दे रही हूँ और मैं भी न्यू टीचर हूँ इसलिए। फिर ना बदली गई टीचर दी, ताहिं ते मुस्तफा माशाल्लाह बहुत, हर महीने बाद टीचर बदली होंगी। चाय पी लो थोड़ी सी, मुझे भी 2 घूंट देना, मेरी आज तबीयत नहीं सही थी इसलिए मैं फिर लेट गई। क्या मुस्तफा? ये रोज ही परफ्यूम अंदर से निकाल के, ये खोते ने हाई ने कपड़ी गिली कर ली थी, मैं हूं कि ठंड के मौसम नहीं, मैंने ऊपर अपर ही मोटा ही है इसका।
वे असी इनू नहीं वोट दिता, नहीं दिता असी इनू। ये जिसने दिया इसको वापस करो। ये कहां से लिया आपने इतने ज्यादा? ये सामने वाले ने दिया हैं, सामने वालों ने। तो उनको दे, हमने क्या करने हैं घर गंद? बापू एक नंबर टोल टोल चटा मेरा पुत्र दे क्या कस लगे पेच तेरे सारे टब्बर कसन वाले ने। अच्छा बस नो वी के नहीं वी ना हम बड़े सलूक तेरा है मेरे पास ना बात सुनो मुस्वा। अच्छा रात को किसके पास हुए थे? तो मैं पापा था, या पापा था। आज या पापा सोना है? हाँ जी। ते पेज कल भी या पापा था। पेज ते तोड़े पूरे टब्बर दे टिल्ले ने किधर किधर कस्सा मैं कत्ता है इधे और ते मेरे नहीं और किसके तोड़े पूरे टब्बर दे टिल्ले ने पेज यस को मैं कान बर्दा ऊंची बाबा का पेट बताऊं बाबा का नहीं यार यार नहीं वो बहुत इतना गंदा पड़ा तो दोनों निकाल के ना तोतर पर लेके दाना लीजा को हतताल दोनों को हतताल हतताल। अच्छा देखें गाइस देखें मेरे बेटा उस तो बोलो हॉस्पिटल हॉस्पिटल अस्पताल हतताल और क्या था एक लफ्ज ततूल स्कूल ततूल सुकून ततून और टीचर टीचर और एक और था मामा ये बोलता होता है कौड़ी नहीं नहीं कौड़ी कौड़ी गिल जाट मुस्तफा हम कौन है भला हमारी जात क्या है अतिया दत्ता वाले दत्त अतिया जत्ता वाले जात हम जा रहे हैं जी नानो के घर जरा मुस्तफा के साथ ये हम पहुंच गए हैं जी नानो के घर। मुस्तफा की एक्साइटमेंट देखो भावे रोज भी आए ना फिर भी ये चार जड़े ना इंजी समान लगन डे होंगे। चलो गेट खुला है पहला ही देखें जी हम फरवरी में भी धूप जो है ना धूप में बैठे हैं हालांकि उन चुभन डी धुप बोले मुस्तफा उसको तुम पे गुस्सा आ गया। मेरी अम्मी है ये मेरी भाभी खड़ी है और ये हमारी पिस्तो है इधर देखो पिस्तो अरफा अरफा इधर देखो हेलो करो हेलो हेलो उसे इसको बताओ हेलो कैसे करते हैं अरफा हेलो नहर जी है ना पानी मेरे ख्याल खत्म होया गंदा पानी पता नहीं कदों का खलोता है। ये देखें ये है अमरूद का दरख्त छोटे छोटे लगे ने पर उठ के लभने पैने के कितने लगे न लगे आमे भी इतों ला कर अमरूद दिता है मुस्तफा। अच्छा अमरूद पर है सॉरी 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 जी सॉरी फॉर मिसटेक मेरा पुत्र ना अमरूद अब्दुल्ला को तड़वा के खान डे छोटे छोटे ताम है क्या फिजान से कत्ते खा रहा था कत्ते खा रहा था की अम्मी मेरी भाभी भी वाक शाक कर रही हैं इधर मेरा भाई बैठा है तेरा कैमरा उरा कर लेता ओए होए होए नानो घर से तो आ गए हैं हम घर जा रहे हैं और मुस्तफा ने खेल खेल के ना देखे ये कपड़ों का हाल मुस्तफा ऐसे नहीं बोलते बैठ जाओ नीचे चोट लगेगी। यहाँ पे जनाब आज बना बन रहा है ऑमलेट पराठे आज ऑमलेट थोड़ा डिफरेंट है इधर मैं आलू भी कद्दूकश करके पाया है ते नाले पाया है थोड़ा जहा धनिया थोड़ी जी पालक भी बड़ा मज़ेदार बनता है ते प्याज ही कद्दूकश करके
साथ ही जनाब मैं इधर हांडी रखने लगी हूँ काले चने, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी के घर जाना है। थोड़ा सा अपनी अम्मी के लिए दलिया बना के लेके जाऊँगी, उनकी तबीयत नहीं सही। तो अगले दिन का व्लॉग जे हूँ कट्ठे तुझे सारे वेख्या करो मेरे दाई। तो दाई अम्मा रोटी नहीं दे रही उसको है आज, क्योंकि संडे का दिन है आज। बस बच्चे का आसा नाश्ता भी लेट हो गया, मैं के सारे काम कट्ठे कर लीए, हांडी भी ना ली, तो फिर मैं अम्मी वाल जाना, बच्चे घर ही रहन गए। कल दिन मेरी अम्मी की तबीयत नहीं सही, परसों तो मैं हो के आई हाँ, लेकिन जो बंदा बुजुर्ग हो जाए फिर आएंगे ही मसले मसाइल। ये है जी हमारे घर की मशहूर, घर की नहीं हमारे अड्डे की मशहूर नान टिक्की। ओए मेरी बेटी आई है, हे जमा लो मेरी बेटी आई है, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, हे जमा लो, बिस्मिल्ला मैं कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम। या टेबल ते फातिमा मसा जे पढ़न रही सी, ते इस मौसम च भी हीटर तो बगैर तो गुजारा नहीं। खाना लाऊँ? चलो कपड़े चेंज करो, मैं अपने वो अड्डे की मशहूर, अड्डे की नहीं वैसे बोलना चाहिए, अपने इलाके की मशहूर नान टिक्की दिखा रही थी लोगों को। ये देखें जी, वो टेबल लगा हुआ है ना और लोग खा रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के मोबाइल पकड़ा हुआ है तो आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे शोरूम पे गाड़ियाँ भी खड़ी। क्या? हाँ जी, कौन है? मुस्तफा वो चेयर पे बैठे हैं। चलो बैठो, मैं खाना दो अपने बेटे को। बैग तो उठाओ अपना ना। अब मैं पता किस बात पर रोज़ाना बोलती हूँ, बताओ किस बारे में बोलती हूँ? ये जो बैग सोफे पे ऐसे पड़ा मुझे जहर लगता है। मेरा नहीं। किसका है? लीजा। ये लीजा का। लीजा था? अच्छा मेरी पहचान। अच्छा ये बुक्स किसकी हैं? हाँ बहुत तो ड्रामेबाज हैं, ये भी लीजा की। ए प्लस लीजा आप ना, फातिमा आपा का, सॉरी। चल खाना का ये चीज़ें उठाओ और ट्यूशन की तैयारी कर। मैं अपने घर से बड़ी मशहूर हाँ जी, कि मैं बहुत कल्पनी हाँ, बहुत कल्पनी हाँ। तो कल्पन की वजह है वे कि आज जो खिला रहे ना मैनू ये नहीं पसंद है, तो स्कूलों आए तो बैग उत्थे छुट्टे किताबा उत्थे। यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी हूँ सेवैयां मीठी वाली। मुझे वैसे दूध वाली चीज़ें पसंद है, दूध वाली सेवैयां या क्रीमी, उसे चुप तो करो। लेकिन पता नहीं एंटीबॉडी खा खा के मेरा ना मुँह इन्ना कड़वा होया कि मेरा अपने आप दिल कर दिया कि अज सेवियाँ बनाऊँ। मैंने ऊपर रखा है पैन और इसका चूल्हा करूँगी कम। यहाँ पे मेरा पुत्र कर रहा है जी काम स्कूल का, अरे शुरू नहीं किया है क्या? पीछे देखो कौन सा है, रूफेता जी की बड़ी, पीछे जो पीछे जो क्लास वर्क किया था उसका। मैं तू वो दिमाग तेरा कौन है उसको पता है, उसको आती छोड़ दो। ये मेरी मर्जी है, मेरी। चलो लिखो मेरा बेटा, ये ना बहुत तंग करता है पढ़ा लगे। मैं किचन तू अपनी कुर्सी ले आया तो सेवियां बनाने, अम्मी वालों भी हो लेकिन ना कम शम ही कर लेने घर, तबीयत बड़ी खराब है अजे भी, गला तुम आवाज़ तो लगन डा होना है। तो सेवियां बनाते हैं और फिर बाकी जो काम कोई रह जाएगा। फिर आज मैंने फैंटा प्रोग्राम भी करना है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये नहीं कि वो सिर्फ वीडियो के बगैर होगा, वो लाइव होगा, बराए रास्त आप देख सकेंगे फैंटा प्रोग्राम मोटे डंडे के साथ। सारी तबीयत यस हो जानी है आज। मोटा नहीं है वो, गोल्ड डंडा है। गोल्ड डंडा, सॉरी सॉरी, गोल्ड डंडा, यस। आज फैंटा प्रोग्राम होने लगा मेरे बेटे का। पापा ने तेल लगा के दो लग गए। हाँ, जो पापा कहते हैं तेल लगा के मारना है उसी को तेल लगा के मारना है। गुड, लगा दी है। लगा दी है तो वो अब किस पे बरसना है? वो बेटी में। बेटी पे नहीं, मुस्तफा गिल पे। वो तो कर रही थी, कर ली अपना काम। देखें जी सेवियां बन गई हैं, सेवियां जड़ियाँ ना मैं लगता ज़्यादा गल गई हैं, पर चलो कोई नहीं, टेस्ट बड़ा मज़े का, चीनी भी सही है तो मिठा जरा मूँह करना सी ना, वो तो ख्वाहिश पूरी होगी ना। अभी गर्म है, बिल भी आ गया साढ़ा, हूँ मैं बखाना नहीं किन्ना आया पर आ गया। ये अकीले होंगे कोई नवीन तो नवीं तैयार होनी चाहिए चीज़। बिल वेख के बंद बीपी हाई हो जाते हैं। ये देखें जी फातिमा आटा गूंदना सीख रही है, तो गुन्न भी डही है ड्राइंग रूम के बह के आखो। किचन को छोड़ के मुझसे उठो, मुझसे उठो बेटे, गंदे हाथ थे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी साथ डाली जाते हैं खोतिया हाथ। तो अब भरे गुन्ना शुरू किया, हाथ दुखना भी शुरू होता है साथ साथ। ऐसे करी जाओ ऐसे ऐसे,
उस साथ पानी डाली जाओ। एटा को अखा काम तो नहीं बस करो यार, नहीं कोई दुनिया आँदी। अच्छा गाइस बताएं घर के काम करने में इंसल्ट है ये, जो कोई काम करती हो मैं ये वीडियो बनावा तो आँदी होंगी है, मेरी ना वीडियो बनाना ये अपलोड ना करना और एक आधा वहम है। मुसा उठ जाओ आप इधर से बेटे, नहीं पानी में खुद करा लेगी, उठो इधर से मुसा। ठहरा मैं तेरा, मैं पहले इलाज कर रहा तू गुन आटा। चले जी आटा ली जाने, फातिमा ने गूंद लिया, मैं बनाने लगी हूँ इधर रोटियाँ। चूल्हा मैंने जला दिया है, अलीजा बना रही है जी सैंडविच खा रही है बना के, इन्हें बहुत ही भूख लग गई है। अलीजा कुछ रुसी हुई है इसलिए मुंह के पोज मार रही है। अलीजा चाह रही है कि मुझे बनाए, तो रोटियां बनाने के बाद मैं करूंगी किचन साफ। नॉट पॉसिबल। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। अलीजा बोल दो मेरे ना, लीजा तू मेरे ना रुसी है, मैं तू मेरे ना रुसी पुत्र, जो लोग वेखण ने उन्होंने तेरी ना रुसी। हाय बोल दो, हेलो लीजा, अल्लाह हाफिज। चल लीजा तू मान गई, सैंडविच भी खा लिया है, रोसा का असि तो रोसने होने सर, अब पैसों का तो मेरे या मेरे बंदे लिया ब्रेड ने खाधा ना मेरे बाबा तो, लेकिन हम रुसते होते थे तो हम दो दिन रोटी भी नहीं खाते थे, तू रोस के भी चूल्हा घट कर ठहर के रोटी बनाने। चलें जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।